मैं कुछ वक्ते हुए इस सदन में आज कहना चाहता हूं और किसी की आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि हमारी बात जो समझ नहीं पाते हैं वो अपने लोगों की बात को समझने का प्रयास करेंगे। कहा गया था कभी, और किसने कहा था वो मैं बाद में कहूंगा, हर चीज की कीमत बढ़ जाने की वजह से मुसीबत फैली है, आम जनता उनमें फंसी है। ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट किसका है? ये कहा था हमारे पंडित नेहरू जी ने, लाल किले से कहा था उस समय। हर चीज की कीमत बढ़ जाने की वजह से मुसीबत फैली है, आम जनता उनमें फंसी है, ये उस समय की बात है। उन्होंने माना था लाल किले से चारों तरफ महंगाई बढ़ी है। अब इस वक्तव्य के 10 साल के बाद, नेहरू जी के इस वक्तव्य के 10 साल के बाद, एक और वक्त का कोट आपके सामने रखता हूं। आप लोग, मैं कोट बता रहा हूं, आप लोग आजकल भी कुछ दिक्कतों में हैं, परेशानियों में हैं, महंगाई की वजह से। कुछ तो लाचारी है, पूरी तौर से काबू की बात नहीं हो पा रही हमारे इस समय में, हालांकि वो काबू में आएगी। 10 साल के बाद भी महंगाई के यही गीत कहे गए थे, और ये किसने कहा था? फिर से ये नेहरू जी ने कहा था उन्हीं के कार्यकाल में। तब देश का पीएम रहते उन्होंने 12 साल हो चुके थे, लेकिन हर बार महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है, महंगाई के कारण आपको मुसीबत हो रही है, इसी के गीत गाते रहे थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब मैं एक और भाषण का हिस्सा पढ़ रहा हूं। जब देश आगे बढ़ता है तो कुछ हद तक कीमतें भी बढ़ती हैं। हमको ये भी देखना है कि जो भी आवश्यक वस्तु है उनकी कीमत को कैसे थामे। ये किसने कहा था? इंदिरा गांधी जी ने कहा था 1974 में, जब देश में सारे उन्होंने दरवाजे ताले लगा दिए थे, लोगों को जेल में बंद कर दिया था। 30% महंगाई थी, 30%। आदरणीय अध्यक्ष जी, अपने भाषण में यहां तक कहा गया था, क्या कहा था आप चौंक जाएंगे? उन्होंने कहा था अगर जमीन न हो, यानी कुछ पैदावार के लिए जमीन न हो, तो अपने गमले और कनस्तर में सब्जी उगा लें। ये ऐसी सलाहें उच्च पद पर बैठे हुए दिया करते थे। जब देश में महंगाई को लेकर के दो गाने सुपरहिट हुए थे हमारे देश में, घर घर गाए जाते थे, एक महंगाई मार गई और दूसरा महंगाई डायन खाए जा, डायन खाए जा था। और ये दोनों गाने कांग्रेस के शासनकाल में आए। आदरणीय अध्यक्ष जी, यूपीए के शासनकाल में महंगाई डबल डिजिट में थी, डबल डिजिट में महंगाई थी, इसको नकार नहीं सकते हैं। और यूपी का सरकार का तर्क क्या था जी? असंवेदनशीलता। ये कहा गया था कि महंगी आइसक्रीम खा सकते हो तो महंगाई का रोना क्यों रो रहे हो? ये कहा गया था, ये कहा गया था। जब भी कांग्रेस आई है उसने महंगाई को ही मजबूत किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने महंगाई को लगातार नियंत्रण में रखा है। दो दो युद्ध के बावजूद और 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के बावजूद महंगाई नियंत्रण में है और हम कर पाए हैं।
आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां पर बहुत गुस्सा व्यक्त किया गया, जितना हो सका उतने कठोर शब्द में गुस्सा व्यक्त किया गया, उनका दर्द मैं समझता हूं, उनकी मुसीबत और ये गुस्सा मैं समझता हूं, क्योंकि तीर निशाने पर लगा है। भ्रष्टाचार पर एजेंसियां एक्शन ले रही हैं, उसको लेकर भी इतना गुस्सा, क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 साल पहले हमारे सदन में, पार्लियामेंट में क्या चर्चा होती थी, सदन का पूरा समय घोटालों की चर्चा पर जाता था, भ्रष्टाचार की चर्चा पर जाता था, लगातार एक्शन की डिमांड होती थी, सदन यही मांग करता रहता था, एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। वो कालखंड देश ने देखा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार की खबरें रोज मिला। और आज जब भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है तो लोग उनका समर्थन में हंगामा करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनके समय में एजेंसियों का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उपयोग के लिए उपयोग किया जाता था, बाकी उनको कोई काम करने नहीं दिया जाता था। अब आप देखिए उनके कालखंड में क्या हुआ। पीएमएलए एक्ट के तहत हमने पहले के मुकाबले 2 गुने से अधिक केस दर्ज किए। कांग्रेस के समय में ईडी ने 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की, हमारे कार्यकाल में ईडी ने 1,00,000 करोड़ रुपए की संपत्ति, देश का लूटा हुआ माल देना ही पड़ेगा। और जिनका इतना सारा माल पकड़ा जाता हो, नोटों के ढेर पकड़े जाते हो, और अधीर बाबू तो बंगाल से आते हैं, देखे हैं नोटों के ढेर, उन्होंने तो किस किस के घर में से पकड़े जाते, किस किस राज्यों में पकड़े जाते थे, ये देश ये नोटों के ढेर देख देख करके चौंक गया है। लेकिन अब जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते, जनता देख रही है कि किस प्रकार से यूपीए सरकार में जो भ्रष्टाचार की बातें होती थी उसका टोटल 10-15 लाख करोड़ का रहा है, चर्चा होती थी, हमने लाखों करोड़ के घोटाले तो अटकाए, लेकिन उन सारे पैसों को गरीबों के काम लगा दिया, गरीबों के कल्याण के लिए। अब बिचौलियों के लिए गरीबों को लूटना बहुत मुश्किल हो गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट, आधार, मोबाइल, उसकी ताकत हमने पहचानी है। 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम हमने लोगों के खाते में सीधी पहुंचाई। और अगर कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं, अगर उस हिसाब से मैं देखूं तो हम जो 30 लाख भेजे हैं, अगर उनका जमाना होता तो कितना रुपया कहाँ चला जाता, इसका हिसाब लगाइए। 15% मुश्किल से लोगों के पास पहुंचता, बाकी सब कहां चला जाता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।